दौलत परी नहीं रहती। बिल्कुल भैया बिल्कुल, बड़ों की बात हमेशा बड़ी नहीं रहती। कोई तो बन के फरिश्ता वहां भी आता है दादाजी, कोई तो सिद्धि भाई, कोई तो बन के फरिश्ता वहां भी आता है। अरे किसी गरीब की मैयत पड़ी नहीं रहती। आइए, मैंने कुछ कहा था दादाजी। हाँ कहा, मैंने कहा था आपने धुन को भी सुना। सुना बेटा सुना, धुन को भी सुना, कोरस भी सुना बेटा। सुन लिया बेटा। जमाना तो करीबन या बदलता रहेगा, नई जिंदगी के फसाने बनेंगे, फसाने बनेंगे। इसको कहते हैं शुद्ध गाना और बजाना। लेकिन कहा था मैंने क्या भैया, आज जिद्दी भैया तुमसे कुछ नहीं कहूंगा ना, 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 ना तुमसे नहीं कहेंगे, लेकिन भैया से बातें हो रही। ओ प्लीज, मैंने कहा था अगर हो प्रभु का आदेश मुझको तो हवाओं का मैं तो रुख मोड़ दूंगा। ये धनुवाद तो क्या है, मेन बात थी, ये धनुवाद तो क्या है, ये रावण तो क्या है। आपने कहा कि रावण को उछाल दूंगा फिर उसको फोड़ दूंगा, ये तो हमने ही कहा। जब उछाल दोगे तो फोड़ोगे क्या? आखिर तुम्हें हो क्या गया आज, या तुम लोगों ने एक एक पतंजलि की टेबलेट नहीं खाई है? आज तुम लोगों को हो क्या गया है? आप कह रहे थे और रायता ज्यादा पी लिया है। हम लोग तुमसे कुछ नहीं कहेंगे आज, केवल बल चाहो। अगर ये आदेश तुम्हारा, शब्द ही पूरे लिखा करो, हवाओं का मैं भी मुख मोड़ दूंगा, काफिया भी नहीं बचे ना, 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 ना बचेंगे। ये जो जनता है यहाँ, ये मन समझिए, इनमें से कम 50% तो गाने वाले हैं, वो भी ऐसे वैसे गाने वाले नहीं है ना भैया ना, ये क्षेत्री की जननी है इसका भैया, कहीं पर सूखा तो कहीं पर नमी है, कहीं पर सूखा तो कहीं पर नमी है, और डांडी नमक का प्रयोग करो तुम्हें आयोडीन की कमी है। दादा एक लाइन और आई, बहुत सुंदर लाइन है, केवल मीठा मीठा गाओ। और ये सौ मुख का रावण पल में उड़ा के, पल में उड़ा के कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊं भाई, पेंटर भाई थोड़ा समझो, ये नहीं जानता था कि तुम किसी को उड़ा के भी फोड़ सको। जय हो मेरे पेंटर भाई, थोड़ा सा अगर मेहनत की होती तो शायद जवाब हो जाता था। थोड़ी सी मेहनत की कमी रही, वैसे बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। एक बात और कही आपने, क्या मैंने कहा था, क्या कौन पापा कहेगा? आपने एक लाइन बदल दी उसमें ऊपर की, तो वही एक गुरु ने अपने बेटे को जो है, और गुरु मान लिया ताने, और मान लिया, उसके बाद आपकी लाइनें कह रही है कि कौन पापा कहेगा, कैसा नाता रहेगा। ये जवाब ही नहीं है ना, ना ना, ये है सवाल ही।
एक ने आपने एक लाइन लगा दी ऊपर और नीचे वही बात आप लाओ भैया, हमने तुमसे पूछा तुम कौन हो तो तुमने भी कह दिया तुम कौन हो। ये कैसा जवाब है? क्योंकि जवाबी जो है बहुत दिमागी काम है ना। जवाबी कीर्तन बस की बात नहीं है तुम लोगों के, तुम लोग जवाबी कीर्तन के आसपास भी नहीं हो। नहीं लेकिन आज राम भैया आराम से काम करना है हमको। अरे हमने भी सब कुछ अपना सुनिए, हमने भी सब कुछ अपना जान तेरे नाम कर दिया। इसको कहते हैं गाना बजाना। थोड़ा सा परेशान हूँ गले से और कोई बात नहीं है। सीखो बेटा तेरी मोहब्बत ने मैं मुकाम कर दिया। आपने कहा है और सुनिए, पता नहीं कैसे आज आप क्या हो रहा है पेंटर भैया। दादा ने बता दिया कि रामायण कितने वर्षों से यहाँ हो रही है। आपने चौपाई भी सवाल भी पूछा लेकिन दादाजी बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल गलत, 100% गलत। अर्थ सहित रामायण जो पढ़ते हैं उन्हें अर्थ पता है। आप कह रहे हैं एक चौपाई आई है अनुज सहित समेत कहो प्रभु चरना, शायद ऐसी आप तीन बंदुक प्रण तारित हरना। आप कह रहे हैं सीता मैया ने कह दिया कि, आपका कहने का मतलब है कि सीता मैया कह रही है कि मेरी तरफ से पैर छूना, मतलब सीता पैर छू रही है। लेकिन ये गलत है, आपकी सोच गलत है। क्योंकि उन्होंने ये कहा है आप जाकर के हनुमान सबसे पहले ये काम करना, आप करना, न कि उन्होंने अपने लिए कहा हो कि सीता मैया पैर छू रही है लखनलाल। सुनिए आप, यहाँ रामायण सभी पढ़ते हैं, अर्ध सही रामायण पढ़िए, उसके बाद सवाल लिखिए। जय हो। सुनिए लेकिन सुनिए 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 मस्ताना सुनिए, सीता मैया ने कहा क्या है? सीता बोली जाओ ललन, सीता बोली जाओ ललन, जाके निभाओ सारा चलन। अनुज सहित मिले भगवान, जाके छूना उनके चरण, जाके छूना उनके चरण, जाके छूना उनके चरण। परीक्षा से पहले माने इन्हें परिणाम दे दिया। कहा बाद में कुछ बताना, सबसे पहले ये कार्य करना। इसीलिए देखो माँ सीता ने काम ये तमाम दे दिया। देखो माँ सीता ने काम ये तमाम दे दिया। देखो माँ सीता ने काम ये तमाम दे दिया। देखो मसीना ने काम ये तमाम दे दिया। क्योंकि जवाब आता नहीं कर सवाल देते हैं। जवाब, अरे जवाब आता नहीं कर सवाल देते हैं।
ये टांगों के नीचे से होकर हाथी निकाल देते हैं। बिल्कुल बेटा आज सीख जाएंगे। देखिए ये 100 रुपए का आशीर्वाद हुआ है आदरणीय भैया अंकित दीक्षित जी की तरफ से आशीर्वाद चाहूंगा। जय हो जय। एक बहुत सुंदर धुन हो रहा है। ओ मेरे ढोली सजीना मैं तेनु प्यार कर भी छड़करी के दिल जानी एक पल रहा न जाए तुम्हारी नजरों से एक पल भी रहा न जाए। आइए आपने बहुत सुंदर धुन गाई है और गीत में आपकी विशेषता है कि अमर है वो अमर जो है इच्छा मृत्यु वाले अमर है जिन्हें इच्छा मृत्यु वरदान है। आइए एक प्रसंग और जोड़ रहा हूं मैं। जय हो जय। सुनिए सुनिए बेटा हर सुंदर ने अत्याचार किया सुंद उपसुंद। देखिए और 100 रुपए का आशीर्वाद हुआ है आदरणीय दादा ऋषि कुमार दीक्षित जी की तरफ से। जय आशीर्वाद चाहूंगा। पर सुंदी उपसुंद ने अत्याचार किया तब नारी तिलोत्तमा ने अवतार अरे दोनों ही करने लगे उस नारी से प्यार तिलोत्तमा ने कह दिया मैं भी हूं तैयार। जब एक ही नारी से दोनों प्रेम कर रहे हैं तो इधर तिलोत्तमा भी तैयार है। उसने कहा लड़ने लगे दोनों तब पड़ी गया फजीता फजीता। सुनिए सुनो अब जब फजीता पड़ गया सुनिए लड़ने लगे दोनों पड़ गया फजीता पूछ रही वो कब आए घड़ी तुम मरने वाले मरी जाते हैं मरने वाले और मरी जाते लेकिन तुम कब तक मर पाओ ये कब तक मर पाओ ये कब तक मर पाओ ये कब तक मर पाओ ये। सुधी भैया इनको भी इच्छा मृत्यु ही का वरदान था कि जब तक अपनी इच्छा से तुम आपस में नहीं लड़ोगे
तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सुनिए सुनिए जवाब, यही वरदान था। सुनिए इसको कहते हैं शुद्ध जवाब। बाले मरी जाते लेकिन तुम मरी पाओ, कब तक तुम मर पाओगे। आइए, जैसा आपके गीत थे यथाशक्ति मैंने कोशिश की। हाँ बिल्कुल बेटे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने सत प्रतिशत सत्य कहा है, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार। जय हो जय हो। सुनिए आइए एक बहुत सुंदर सा गीत। हाँ सुनिए। तू मेरी जिंदगी है। आइए, पहले एक कोशिश की मैंने अपनी तरफ से एक गीत रखने की। जय हो जय। आज फिर दूसरा एक गीत रख रहा हूँ और देखना जिद्दी भैया, पूरी रात में सवालिया नहीं गाऊंगा। हम लोग सवाल नहीं करते हैं। कोई सवाल नहीं होगा लेकिन मेरा गीत ही सवाल बन जाएगा। तो फिर हम दादा जी, एक समय की बात है, भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। और जब कामदेव को भस्म किया तो पीछे पीछे जब बाद में रथी पहुंची, और रथी पहुंची तो भोलेनाथ ने देखा कि कोई नारी आई है। जय हो जय हो। तो नंदी से पूछा, नंदी ये नारी कौन है? दादाजी ये नारी कौन है? तो सुनिए नंदी क्या कह रहे हैं। काम बानिया करी जिसने, देखिए ये 51 पद मुद्राओं का विशेष आशीर्वाद हुआ है। जय हो जय। मेरे बड़े भैया पेंटर भैया जी की तरफ से। जय हो जय। कोट कोटे आशीर्वाद। कहा दादाजी, काम बान आकर जिसने तुम पर चलाया, जिसने काम बान तुम्हारे ऊपर चलाया, नेत्र तीसरे से तुमने जिसको जलाया। ये तो सुनिए प्रभु, ये उसकी पत्नी है। पहले मैंने कहा था गीत में ये धनवाद तो क्या है, लेकिन यहां भी सुनना, ये उसकी पत्नी है वो इसका पति है जो मरा पड़ा है। और ये उसकी पत्नी है वो इसका पति है प्रभु, ये कामों की रथी है। काम की रथी ये कौन है? काम कामों की रथी है। संकेत कर रहे हैं प्रभु, ये बहुत काम की रथी है। और ये काम की रथी है क्यों? यही काम में आने वाली है, क्योंकि ये नहीं होगी तो सम्रासुर का वध नहीं हो सकता। जय हो जय। इसलिए ये कामों की रथी है, ये उसकी पत्नी है, ये उसकी पत्नी है, वो इसका पति है। ए, 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 ए,
अब सुनिए यहाँ जब कह दिया ये काम की रती है तो भगवान भोलेनाथ ने उसने वरदान दे दिया दादाजी उन्हें वरदान दे दिया। आगे सुनिए हाँ सुनिए जब मेघनाथ बद हो गया दादाजी मेघनाथ बद हो गया सुलोचना शीस मांगने आई तो राम ने देखा बोले आज ये नारी कौन आ रही है विभीषण से कहा विभीषण ये कौन नारी है लंका की तो सुनिए क्या कहने लगे ज्येष्ठ पुत्री रावणी को ज्येष्ठ पुत्री रावण को इंद्रजीत प्यारा और लखन लाल ने रण में जिसको है मारा लखन लाल ने जिसे मारा है तो ये उसकी पत्नी है। पहले नंदी ने कहा लेकिन यहां भीषण कह रहे हैं और ये उसकी पत्नी है वो इसका पति है ये उसकी पत्नी है वो इसका पति है ये सुलोचना सती है। सुनिए लिखो बेटा ये पेंटर भैया अगर सर्दी लग रही हो तो चाय मंगा दूंगा ना। अच्छा लेकिन लिखो। लेकिन जवाब लिखो और गाओ ये सुलोचना सती है ये सुलोचना सती है ये सुलोचना सती है। अंतिम मंदोर सुनिए जब भगवान ने बाली को मार दिया और जब बाली को मार दिया देखा कि वहां भी एक नारी आई है तो आज राम पूछने लगे सुग्रीव ये नारी कौन है। सुनिए क्या कहने लगे बाली के भैंसे दुश्मन आराम से आराम से से दुश्मन रड़ी छोड़ भागे और वो बाली टिकाना राम सोकिया के आगे लिखो लिखो क्यों प्रभु सुनिए ये उसकी पत्नी है ये उसकी पत्नी है वो इसका पति है दादा ये तारावती है ये तारावती है। सुनो भगवान शंकर ने रथी आई वरदान दे दिया भगवान राम के पास सुलोचना आई उसे दान दे दिया और जब तारा आई तो तारा विकल देख रघुराया और दीन ज्ञान हरिणी माया। गीत में काम है सुनना सुनो बेटा सुनो तब कोशिश करो यहाँ ज्ञान दिया है ये उसकी पत्नी है ये उसकी पत्नी है वो इसका पति है ये तारावती ये तारावती ये तारावती ये तारावती और ये तारावती है।
रति और सती और तारावती, लिखो आगे जवाब। हाँ आज जवाब ही हुआ है, आज आज पड़े हो चक्कर में। और देखे ये विशेष आशीर्वाद हुआ है, बहुत अच्छे फनकार हमारे बिल्कुल पड़ोस के, जय हो जय हो, भाई रवि भैया के पिताजी डॉक्टर शिशपाल सिंह जी की तरफ से 50 रुपए का मेरे लिए, जय हो जय हो, 50 मेरे जो नाल वादक संगत कर रहे हैं छोटे भाई धर्मवीर जी के लिए, जय हो जय हो, आशीर्वाद हुआ, कोट कोट आशीर्वाद चाहता हूँ उनसे। आइए एक खंड पी सोचो। देखिए आज क्या मनोज जी, जय हो जय हो, आज नहीं है, 20 रुपए हमारे लिए और 20 रुपए धर्मवीर जी के लिए, जय हो जय हो, उनसे भी आशीर्वाद चाहूंगा भैया से। आइए दादा एक बहुत सुंदर गीत बजा सुनिए। और इनका नाम है चमेली, जितेंद्र भैया। हाँ एक समय की बात है, हाँ भगवान राम अयोध्या आए, राज मिला, जय हो जय, राजा बने, अयोध्या के 4 निवासी एक साथ बैठे हैं, हाँ दादाजी, और 4 जब एक साथ बैठे, जय हो जय, विचार कर रहे हैं, बोले भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हाँ अयोध्याओं पर एक बात की कमी है, जय हो, बोले क्या कमी है, बोले सबकी शादी हुई है लेकिन हनुमान जी की शादी नहीं हुई, जय हो जय, विचार कर रहे हैं, हाँ और आप भी विचार करना पेंटर भैया, सुनिए विचार किया, हाँ बोले यार शादी आदि तो हो जाए, हाँ लेकिन उनकी समानता वाली कन्या कहाँ मिलेगी, हाँ बोले शादी उनमें होती है जहाँ समानता हो, जय हो, और हनुमान जी कैसे हैं ब्रह्मचारी हैं, हाँ तो दूसरा बोला अगर तुम शादी कराओ तो कन्या मेरे पास है, जय हो जय हो, बोले मेरी नजर में बहुत अच्छी कन्या है, बिल्कुल समानता है, जय, बोले अगर है तो बताइए, तो सुनिए वो बताने लगा, हाँ अरे ये भी तारी कुआरे हैं, जय बोलना जय बोलना जय बोलना जय बोलना तारा बेटा, सुनिए अरे ये भी इधर कुआरे हैं और वो भी उधर कुआरी, वो भी कन्या कुआरी है, हाँ समानता दिखा रहे, ये भी बाल ब्रह्मचारी है तो वो भी है ब्रह्मचारी, इन दोनों की लीला न्यारी लीला है, हाँ। और देखे इधर इशारा कर रहे हैं, सुनिएगा, हाँ इन दोनों की लीला है न्यारी, अरे दोनों अलग अलग रहते अलग है रिश्तेदारी, बोले कनेक्शन भी जॉइंट नहीं होगा, हाँ
बिल्कुल जय हो। दोनों अलग अलग रहते हैं, अलग है रिश्तेदारी, हाँ, लेकिन समानता सुनिए क्या है, सुनिए। उन्होंने लंका में आग लगाई, हनुमान जी ने, इन्होंने लंका में आग लगाई, तो जाने घर में आग लगाई। सुनिए समानता, मंथरा सुनिएगा, हाँ मंथरा, हनुमान जी ने तो लंका में ही आग लगाई, हाँ, लेकिन इसने, इन्होंने लंका में आग लगाई, जाने घर में आग लगाई। लेकिन पेंटर भैया सोचो क्या होगा इन दोनों की बारात में, अगर इन दोनों की मैरिज हो गई तो फिर क्या होगा, सुनिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। ट्रिपल दादा, ये लो पुरस्कार। और देखिए इसी पे 100 रुपए का आशीर्वाद हुआ है, आदरणीय दादा ब्रह्मदेव दीक्ष जी की तरफ से कोट कोट आशीर्वाद चाहूंगा। कहा दादा, थोड़ा चाय पे ध्यान कम करके मेरी तरफ। इन्होंने लंका में आग लगाई, तो जाने घर में आग लगाई, तो सोचो क्या होगा इन दोनों की बारात में। लेकिन जो लड़के पक्ष वाला है, हाँ, बोला यार बारात तो जब होगी जब समानता पूरी हो जाए। बोले अभी उनमें एक खूबी और है, हाँ, बोले उसको भी बता रहा हूँ, सुनिए क्या खूबी है। अरे इनकी पूछ है टेढ़ी मेढ़ी, हाँ जी जिद्दी भैया सुनिए। अरे नजरों से मिला लो एक नजर, दिल के अरमान निकलने दो, कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, जलता है जमाना जलने दो। मुझे मालूम है पेंटर भैया आज रात में कोरे कागज को खराब करना है, आज जवाब तो आना ही नहीं है पूरी रात में, कॉपी पेंसिल को खराब करना है और कुछ नहीं है। जय हो जय हो। तो इनकी पूछ है टेढ़ी मेढ़ी, जाकी कुंवरी टेढ़ी मेढ़ी। सुनिए सुनिए समानता, सुनिए समानता। अरे इनकी पूछ है टेढ़ी मेढ़ी, जाकी कुंवरी टेढ़ी मेढ़ी। दादाजी सोचो क्या होगा इनकी पहली रात में, सोचो क्या होगा इनकी पहली रात में, सोचो क्या होगा इनकी पहली रात में। क्यों कह रहा हूं इस बात को, इन्होंने लंका में आग लगाई, अरे तो जाने घर में आग लगाई, दोनों ही खतरनाक है, हाँ दोनों ही डेंजर है, तो सोचो क्या होगा, और इसको दादा ही सोच सकते हैं और किसी के बस की बात ना, 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 ना। सोचो क्या होगा इनकी पहली रात में, सोचो क्या होगा इनकी पहली रात में, सोचो क्या होगा इनकी पहली रात में। आ रहे हैं आपके समझ, जय हो जय हो। आदरणीय भैया जितेंद्र जिद्दी जी, जय हो, अपना जवाब लेकर, जय हो। राधे तूने छोड़ा, दीवाना करी के
राग तूने छोड़ा दीवाना करी के ना धीम ना धीम गुरगुर पाऊं दादा ना 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 धीम ना धीम गुरगुर पाऊं ना धीम ना धीम गुरगुर पाऊं दादा ना 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 धीम ना धीम दरबार की जय। आइए भैया।